हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी, हूं तो मैं शमा मगर भेस है परवाने का। दबे के बायस कोई लब नहीं हिला सकता, मगर मगर लोग एक दूसरे के कानों में बातें करते हैं। क्या क्या बातें करें? रजी और याकूत की कुर्बत के बारे में। ऐसे इंसान जो कानों में बातें करते हैं वो शैतान है। याकूत रजिया का तालीक है जो उससे सिपागिरी की तरबियत दे रहा है। फिर भी एक गुलाम से सुल्तान की दुख्तर की ये कुर्बत मुनासिब नहीं है। शातुर्तान, गुरु से डर के इस गुनाह अजीम की सजा मैदान हश्र में नहीं जमीन पर ही मिलती है। क्या तू ये नहीं जानती कि तेरा ये खावन भी एक गुलाम ही था, और इस महल के दरो दीवार ये भूले नहीं होंगे कि तू भी अल्तमश के हरम बनने से पहले एक कनीज थी। मैं भूल गई थी, शर्मिंदा हूं। लेकिन रजिया जो एक लड़की है उसे सिपागरी सीखने की जरूरत क्या है? ये तरबियत तो सुल्तान के फर्जंदों को मिलनी चाहिए थी। फर्जंद? कैसे फर्जंद? एक अपाहज, बहराम शाह, सांस लेती हुई एक जिंदा लाश, और एक वो तेरा जन्म दिया हुआ जहरीला सांप फिरोज शाह, जो तेरे लाड प्यार के आंचल में पनप कर अब मेरी आस्तीन में रेंग रहा है। कितनी बार तुझे टोका है शाहतुर्कान, अल्तमश के रिश्ते हुए इस नासूर को छेड़ा न कर, मगर तू पास नहीं आती। सुल्तान के तेवरों से जाहिर होता है कि वो अपने फर्जंद फिरोज शाह को अपना जानशीन नहीं बनाएगा। इसलिए कि आपका फर्जंद फिरोज शाह एक नफरत ज़दा किरदार है। मगर जब बलबन की अकलमंदी की मशालें उसकी रहनुमाई करेंगी तो वो कोई ठोकर फिर नहीं खाएगा। मुझे एतमाद है कि बलबन जैसा बेमिसाल सियासतदान जो मेरा दामाद है, मेरे ख्वाबों की ताबीरों को ख्वाब आसमानों पर हों मेरी खातिर जरूर उतारेगा। लेकिन आप अपने फर्जंद फिरोज शाह के उन नापाक हाथों को धो डालने का अपने दामाद से वादा करेंगी, जो औरतों की चादरों को और मर्दों की दस्तारों को उनके सरों से खींच कर बेआबरू करते रहते हैं। और उम्मीद है कि बलबन के पछताने का वक्त आने नहीं देंगी। मैं वादा करती हूं।
सलामुन अलैक मीरा खोर। मुशफिक मन मीरा खोर, जिस किस्म की तलवार की मीरा खोर ने हिदायत की थी वो तैयार होकर आ गई। लाओ दिखा। ये बिल्कुल फरमाइश के मुताबिक है, हल्की, लचकदार, कब्जे पर सीधी और जबान पर खमदार है। खतरनाक है।
इस गैर हाजिरी के क्या माने? मेरी तोहीन की उसने। नहीं रजिया, उसने तुझे तेरी उस तोहीन से बचा लिया जो बस एक कदम रह गई थी, और खुद उसने ऐसा भारी पत्थर अपने सीने पर रख लिया जो रफ्ता रफ्ता उसे कुचल डालेगा। रजिया, तेरी चाहत का खतरनाक तीर जो मुद्दतों से उसकी तरफ खिंचा हुआ था, वो कल कमान से छूटकर उसके दिल में उतर गया है, और आज इस खौफ से कि दाग कोई उसके खूने दिल का तेरे गिरेबान पर न लगे, वो तुझसे दूर हट गया है। गुलाम का काम कल तमाम हुआ आका। बार रजिया को सिपाहियाना तरबियत लेने की अब जरूरत नहीं। मराबा, अपना ये कारनामा दिखाने का एहतमाम कर। अल्तमश अपना ख्वाब जो बंद आंखों में देखता रहा है, उसे अब खुली आंखों से देखना चाहता है। हुक्म आका। बिस्मिल्लाह। याकूत, करीबा। बुलंद हो।
और बुलंद हो और सर ऊंचा कर। मुबारक हो तुझे कि अल्तमिश ने आज तुझे खुदा की राह में गुलामी से आजाद किया। मेर बख्शी सुल्तान। मेर बख्शी दुख्तरे सुल्तान रजिया बानो का तालिक याकूत सुल्तान हिंद से कुव्वतुल मुल्क का खिताब पाकर अमीर के रुतबे पर फायज हुआ और खिलअत इमारत और अस्प मुरस्सा से नवाजा गया। दुख्तरे सुल्तान का अतालीक याकूत सुल्तान हिंद से कुव्वतुल मुल्क का खिताब पाकर अमीर के रुतबे पर फायज हुआ और खिलअत इमारत और अस्प मुरस्सा से नवाजा गया। जा फिर ले आ उसे। किसे? उसे जिद्दी लड़की को जो नहीं मान रही थी। आका इस कनीज ने एक और लड़की जवान होती देख ली है और उसे शहजादे के शौक के लिए चुन लिया है। नहीं उसी को ला, उसे मगरूर हसीना को लेकर आ। लेकिन शहजादे कनीज ने जिसका जिक्र किया वो ऐसी गली है जिसकी पंखड़ियां खिलने के लिए बस कल के उभरते हुए सूरज का ही इंतजार कर रही है। वाह वाह कितना हसीन जिक्र है। खामोश जा और जो कहा गया है तुझसे वो कहा जा चुका है। फखरुस्सलातीन सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश कि जो मिन जानिबुल्लाह बंदगाने सल्तनत की जानो माल का निगहबान है उसकी बारगाह में बादे सलाम जानिसार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया कलेदार भतिंदा का इल्तमास है। लश्कर का सालार बुरहानुल मुल्क बागियों का सख्त मुकाबला करते हुए मैदान जंग में शहीद हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुल्तान बराहे रास्त खतरे की जद पर है। फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, सुल्तान, सुल्तान। लबैक। हा अल्तमश के पास आ। सुल्तान मेरी बेटी को बचा। तेरे बदकार बेटे फिरोज ने अपने जल्लादों से उसे उठवा लिया। वो मर जाएगी सुल्तान, वो मर जाएगी। तो यही कयाम कर और इस तख्त का पाया थामे रख। Oh!
रोती है? तमश की तलवार और एक खतावार के दरमियान रुकावट बन रही है। नहीं, उससे पहले मैं कत्ल होने के लिए आई हूं। यानी तेरा कत्ल उसके कत्ल की शर्त है? यही, क्योंकि एक मां अपने बेटे का उसके बाप के हाथों खून होते नहीं देख सकती। मगर तू अपने खाविंद की रया पर अपने खोखार बेटे के सितम देख सकती है और उनकी इज्जत व आबरू को कहन लगते देख सकती है। जल तमश की बेटियों के मानंद है। लेकिन याद रख, तेरे पीछे एक ऐसा हौलनाक खतरा सांस ले रहा है जिससे घबराकर जमाना खुदा से फरियाद करेगा और तू तारीख हिंदुस्तान में हमेशा एक संगीन मुसीबत के नाम से दोहराई जाती रहेगी। अफसोस, मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल तेरा मुझ पर अभी वाजिब नहीं है, लेकिन तेरे लिए अब नफरत का गुबार दिल में लिए वापस जाता हूं। सुल्तान, 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 ले अल्लाह के करम से महफूज रही और जो जुल्म इस पर तुझ पर हुआ है उसके लिए अपने पशेमान सुल्तान को माफ कर। इस जानिसार अल्तुनिया को हर लहजा हर लम्हा सुल्तानी फरमान का इंतजार है कि ये बंदाए बारगाह भतिंदा छोड़कर मुल्तान की जानिब बढ़े या इस नहुसत को इधर बढ़ने से बाज रखने के लिए अपने मकाम पर साबित कदम रहे। निजामुल मुल्क सुल्तान, आज ही एहतमाम हो। सुल्तान ने अब खुद इस फितने को मिटाने के लिए अजम किया। मुबारकबाद। एतमादुल मुल्क अलखा बलबन। सुल्तान, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के नाम फरमान जारी हो कि अल्तमश के भतिंदा पहुंचने तक वो भतिंदा ही में कायम फरमाए। सुल्तान, कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत। आका, आप लश्कर आरास्ता करें और जल्द अज जल्द भतिंदा में अल्तमश के हम रकाब हों। आका, सुल्तान बाबा। जाने बाबा, कल सुबह जंग के लिए रवानगी है। इंशाल्लाह। तो ये जाने बाबा भी तेरे साथ जाएगी और तेरी नजरों के सामने तेरी दुआओं की छांव में ये जंग सर करेगी। अल्लाह, तू अल्तमश को अल्लाह की बख्शी हुई एक नेमत है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من
يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. पैगाम सुल्तान तक पहुंचाना है। जो हुक्म। सफर तुम्हारा मुसलसल जारी रहेगा, कहीं भी मंजिल किए बगैर। अल्तूनिया, आप भी अपने हमशीर और मादरे मोहतरमा के साथ इसी दस्तरखान में शरीक हो। इज्जत अफजाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने बाबा, यमीर अल्तूनिया तेरी मादर मरहूमा के रिश्ते से तेरे करीबी अजीज हैं। अल्तूनिया,
ये तेरे लिए कितने फख्र का मुकाम है कि सुल्तान को इस रिश्ते का ख्याल है। बेशक ये बड़े फख्र का मकाम है कि दुख्तरे सुल्तान से रिश्ते का एजाज मुझे हासिल है। जाने बाबा, अमीर अल्तूनिया सल्तनत के वफादार सूबेदार ही नहीं बेहतरीन सिपे सालार भी हैं। लिहाजा ये जंग जो तू लड़ने जा रही है इन पर तू पूरा भरोसा कर सकती है। सुल्तान बाबा, अमीर याकूत लश्कर लेकर कब तक यहाँ पहुंचेंगे? इंशाल्लाह कल सुबह तक। अमीर याकूत कौन? फुनून हर्ब जिसने दुख्तर सुल्तान को सिखाए हैं। खाने सामान सुल्तान की गुफ्तगू से जाहिर था कि अमीर अल्तुनिया का गोया एक खास मकाम है और वो सुल्तान के दिल से भी बहुत करीब है। तूने इससे कुछ समझा रजिया? नहीं काकुल, रजिया तो वहां हाजिर ही नहीं थी। लश्कर रकाबे सुल्तानी में हाजिर है आका। कुछ आज ही शाम से हो अमीर अल्तुनिया। निजाम उल मुल्क मलिक मोहम्मद जुरैदी की अर्जदाश्त सुल्तान के हुजूर। आए मोहतरम सुल्तान, तू जिसके रहम और इंसाफ का लहराता हुआ परचम आसमान को छू रहा है, उसी के नीचे तेरे ही फर्जंद फरोज शाह ने अपने जुल्म व सितम और अपनी बदकारियों और सियाहकारियों से तेरी रिहा पर ऐसा अजाब ढाया हुआ है कि लोग अपनी जानें और आबरूएं बचाने की खातिर घर छोड़ छोड़ कर वीरानों की तरफ भाग रहे हैं और निजामुल मुल्क के पास ऐसे अख्तियारात नहीं कि इस गारतगर को हथकड़ियां पहना सके जो तेरी सल्तनत का वाली कहलाता है। ओ अल्तमश के फर्जंद,
तू अपने बाप के शायद ऐसे किसी गुनाह की सजा है जो गुनाह अल्तमश को याद नहीं। सुल्तान बाबा जब्त कर, जमीन तेरे आंसुओं का बोझ नहीं उठा सकेगी। ऐ जाने बाबा, ऐ राहते जान, थाम या हुक्म लाने की निशानी है, इसी वक्त दिल्ली की जानिब लौट जा और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की सल्तनत संभाल। उब्बतुल मुल्क याकूत। आका, तो सुल्तान की नायब रजिया के हमरा जाएगा। अल्तमश अपनी अमानत तेरी जान इसारी के सुपुर्द करता है। फे अमानुल्लाह।
जुस्तजू क्या है Yeah.
बारगाह ये ऐलान है कि फखरुस्सलातीन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह से दुख्तर सुल्तान रजिया खातून नाइब सल्तनत के मर्तबे और एजाज से सरफराज होकर आज से मुल्क के हिंद पर हुक्मरानी फरमाने दरबार में वारिद हो रही है। जुमला मुआजिज अराकीन सल्तनत का अब यह फर्ज आयन है कि सुल्तान की तलवार पर जो हुक्मरानी की अलामत है हाथ रखकर इताअत का इकरार और फरमाबरदारी का इजहार फरमाए। कुवतुल मुल्क, आप तो जानते ही हैं कि ये माजूर हैं, हाथ खुद उठा नहीं सकते। बाजारों, मोहल्लों और गलियों में ये मनादी करा दी जाए कि आज ही से बेचारों की चारागरी और मजलूमों की दादरसी की खातिर अदालतें बस्तियों में गश्त करती रहेंगी। हर सुबह रजिया बजाते खुद किले से निकलकर रास्तों से गुजरेगी और हर खासो आम को ये इख्तियार होगा कि बेखौफ व खतर वो अपना दुख दर्द बयान करे। शाहजादी मदद कर हमारी। क्या बात है? तेरे भाई फिरोज शाह ने हमारी मासूम बेटी को अपने नापाक हरम में तलब किया है। आज रात उसके शैतान उसे उठा ले जाएंगे और हमारी अबरू खाक में मिल जाएगी। कहाँ रहते हो तुम? उस घर में। मुतमईन रहो, ऐसा नहीं होगा। बिस्तर पर आ। अम्मी, 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 क्या बात है? रोजे ने हमको मारा और तूने उसकी मार खा ली। क्यों? हमसे डरते हैं। लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं शाह तुर्कार। और अब तक 400 खानदानों को वापस लाकर उनके घरों में बसाया गया। शुमाली महरोली जो तकरीबन उजड़ी गई थी आबाद की गई। नए थाने मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए। दो हजार पहरेदार बस्तियों में आठों पहर गश्त पर हैं। खूब।
غلے کی تقسیم ایک مہینہ اور مفت جاری رہے گی۔ رضیہ، کیا سلطنت کے انتظام کے فرمان کے ساتھ تو اپنے بڑے بھائی کے منہ پر تماشے مارنے کا اختیار بھی لائی ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ جس کے ساتھ تو نے گستاخی کی ہے وہ سلطنت کا ولی عہد ہے؟ قوت الملک، جاؤ اور اسی دم فیروز شاہ کو، جو ابھی ولی عہد سلطنت نہیں، نائب السلطنت رضیہ کے حکم سے گرفتار کر زندان میں ڈال دو۔ یاد رکھ، ایک دن آئے گا جب وہ تیری بے ادبی کا تجھ سے عبرتناک انتقام لے گا۔ کون؟ یاقوت۔ یہاں کس لیے آیا ہے تو؟ خاتون سلطان کو ایک سنگین جرم سے باز رکھنے کے لیے۔ جرم؟ کیسا جرم؟ ایک مجرم کو قید سے چھڑا لے جانا سنگین جرم ہے۔ گستاخ حبشی، کیا تجھے ہوش نہیں کس سے ہم کلام ہے تو؟ تجھے دکھائی اگر نہیں دیتا تو سن، شاہ ترکان ہوں میں۔ نہیں، یاقوت کے سامنے یہاں ایک قانون شکن عورت ہے جس کا اس وقت کوئی نام نہیں۔ خاموش، میرے ہاتھ میں یہ خنجر ہے، سامنے سے ہٹ جا وگرنہ سر تیرا اس ٹھوکر میں ہوگا۔ غلام کے دھمکانے سے تو نے اپنے فرزند کا ہاتھ چھوڑ دیا؟ ٹھہر، اب یہ منحوس زندان ہی نہیں رہے گا، میرے غضب سے اس کی دیواریں شک ہو جائیں گی۔ اپنا خنجر لیتی جائیے، یہ پھر آپ کے کام آئے گا، لیکن یاقوت کے سینے پر نہیں، اس کی پیٹھ پر۔ ہاں، اب میرا بھرپور وار تیری پیٹھ پر ہی ہوگا۔ تیری موت ہوں میں، میرا انتظار کر۔ تو نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے نا؟ اچھی طرح۔ اور یہ بھی کہ یہ راز اگر کھل گیا یا تو فرض اپنا انجام نہ دے سکی تو مٹا دی جائے گی۔ بے شک مٹا دی جاؤں گی۔ جا۔ ہوا، بیان کر۔ میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میری معصوم بیٹی کی آبرو لوٹ لی ایک ظالم نے۔ کس نے؟ بول۔ بتا کون ظالم ہے وہ؟ یہ ہے کون؟ یہ ظالم یاقوت۔
قوت الملک کیا کہتی ہے یہ؟ یہ تہمت میری موت کی سازش ہے۔ عورت، جانتی ہے کس پر الزام لگایا تو نے؟ ہاں میں جانتی ہوں، بس تو نے میری فریاد سن لی، اب تیرا فرض ہے کہ آنکھیں بند کر لے اور انصاف کر۔ قوت الملک کو سواری سے اتار کر حراست میں لے لو۔ ہاں یہی ہے، میری بیٹی کا خزاخ یہی ہے۔ ملزم جمال الدین یاقوت، الزام جو تجھ پہ لگایا گیا ہے اس کی بابت تیرا دفاع کیا ہے؟ خدا گواہ ہے میں اس عورت کو نہیں پہچانتا۔ ہاں تو مجھے نہیں پہچانتا، کہ تو نے میرا دامن نہیں میری بدنصیب بیٹی کا دادار کیا ہے۔ او تروخ کہرافا، کون ہے تو؟ کون ہے؟ ملزم فریادی کو خوف زدہ نہ کر، اپنا بچاؤ کر۔ واللہ یہ بہت تان ہے، بڑا قاتل جھوٹ ہے۔ فقط الفاظ نہیں، بدبخت لڑکی، کیوں تو میری دشمن ہوئی ہے؟ کیا میرے مرنے تک تو سچ نہیں بولے گی؟ تیری خاموشی تیرے حق میں جان لیوا ہے۔ سن کہ یہ الزام اگر تجھ سے دور نہ ہوا تو پاداش اس کی عبرتناک ہے۔ سر بازار تو زمین میں آدھا دفن کیا جائے گا اور لوگ تجھے سنگسار کریں گے تاکہ موت تیری واقع ہو جائے۔ یاقوت، یاقوت، بانو مجھے نہ پکار، مجھے اپنی طرف نہ بلا، تجھے دیکھنے کے بعد یہ رات میرے بدن کا تمام خون پی جائے گی اور کل مجھ پر مارے جانے والے پتھروں کے زخم خون نہیں ٹپکا سکیں گے اور لوگ سمجھیں گے مرنے سے پہلے ہی موت کے خوف نے یاقوت کا لہو چوس لیا۔ دور مجھ سے دور ہوتی چلی جا اور کہیں روپوش ہو جا، تجھے میں مرنے سے پہلے اگر دیکھ لوں گا تو مر جانے کے بعد بھی میری آنکھیں زندہ رہ جائیں گی۔ Thank you.
संसार करने के लिए पत्थर उठा लें। तेरी मशीयत पर मरना तो सभी को है, लेकिन जिस शर्मनाक और झूठे इल्जाम पर जिल्लत और रुसवाई के साथ मुझे मौत दी जा रही है, उसमें तेरा इंसाफ शामिल क्यों नहीं है? मेरी बेगुनाही पर तूने अपनी गवाही क्यों नहीं दी? ये शिकायत लेकर मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। इल्जाम लगाया है सुल्तान, अपनी इस मासूम बेटी की तरफ से मुझ मजलूम मां ने तूने तेरी बेटी ने नहीं, क्यों नहीं? रुसवाई के खौफ से। मगर तूने तो इसे रुसवा कर ही दिया। लड़की या जा। हनीबा, निगाहें उठा, सुल्तान की आंखों में देख। सुल्तान। हाँ बता, सच क्या है? मैं छोटी हूँ, खंजर के नोक पर मुझसे छूट पुलवाया गया। ये मनादी की जा रही है कि वो मजलूम जो फरोशा के जुल्मों से तम का शिकार हुए हों, वो दरबारे आम में पेश होकर अपनी अपनी फरियाद बुलंद करे। मुल्जिम फरोशा, हमने तेरे खिलाफ फरियादें सुनी, इल्जाम जो तुझ पर लगाए गए हैं उनके दिफा में तुझे कुछ कहना है? लाराइब, इन बेशुमार गवाहियों के जवाब में तेरी खामोशी तेरा इकबाले जुर्म है। बस बिला शुबा तू कसूरवार साबित हुआ। महतरम मुफ्ती, मुजरिम के मसालिम से मजलूमों ने अपने तई हलाक किया, लिहाजा कत्ल का जुर्म साबित नहीं, मगर जो संगीन मजालिम इसने किए उनकी सजा भी संगीन ही तजवीज की जाए। आए हम 70 बेमहाबा ताजियाने, सुल्तान रहम कर, ये तेरा ही फर्जंद है। मैं ये हश्र नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से ले चलो।
मोहतरम काजी, अब क्या हुक्म है? एक ताजियाना और मौत का ताजियाना होगा। महतरम मुफ्ती, बकिया सजा बतौर कसास मुजरिम के पदर पर लाजिम होती है। अपना अदा करो। सब खामोश क्यों है सुल्तान? इजाजत हो तो कुछ लम्हों के लिए ये वफादारान सल्तनत सुल्तान की निगाहों के सामने से हट जाएं और इस अहम मसले पर आपस में मशवरा करने के बाद हाजिर हों। इजाजत है। सुल्तान, तेरे ये सब वफादार बेशक सुल्तान की दुख्तर नेक अख्तर हजरत रजिया खातून के एक इशारे पर अपनी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर अपने हुक्मरानों से तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुल्तान के वजीरों, अमीरों, मनसबदारों और सिपाह पेशा तुर्कों की मर्दाना खुददारी के खिलाफ है।
कि वो एक औरत ज्यादा। खामोश! मेरा खार! खामोश! खामोश! सुल्तान ने तलब किया है। आका लैला, सुल्तान ने आका को तलब किया है। सुल्तान ने इस वक्त? इसी वक्त। हाँ, अल्तमश ने तुझे याद किया है। इस पर मोहर लगा दे। वो एक शख्स, फकत तू है, जिसके खुले खंजर पर भी अल्तमश अगर अपनी गर्दन रख देगा तो उसकी धार किसी फरिश्ते के पर की मानंद नरम पड़ जाएगी। तूने देखा, तूने सुना कि तेरे सुल्तान की ईमानदाराना नसीहत को तंग नजर अमीरों ने किस बेईमानी से ठुकरा दिया है। यह अल्तमश की वसीयत है, इसे अवाम तक पहुंचाना तेरा काम है। वो जरूर अपने सुल्तान की वसीयत का एहतराम करेंगे और तेरा साथ देंगे। इधर आ। अच्छा हुआ कि तेरी जानिसारी का वक्त अब से पहले नहीं आया और आज तो अल्तमश की खुशनसीबी से जिंदा है, लेकिन वक्त तेरी जानिसारी का अब आया है। खुदा का शुक्र है कि आखिरकार वो वक्त अब आया है कि आका के ख्वाबों की ताबीर गुलाम के खून से लिखी जाएगी। ये वसीयत है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की। ऐ हिंद के लोगों, लिख। ऐ हिंद के लोगों, लिख सुल्तान अल्तमश पर अगर एतबार हो तो उसके इंतकाल के बाद अपनी सलामती की खातिर रजिया को अपनी हुक्मरान बनाना।
लला, खबरदार, आंसू बहाकर अपनी कमजोरी का इजहार न कर। मेरा कलेजा कांप रहा है आका, मुझसे नहीं लिखा जाता। जब्त कर और लिख, रजिया को अपनी हुक्मरान बनाना। शमसुद्दीन अल्तमश। लैला, तू रोई और मुझे संदेशे में मुब्तला किया कि तेरा कमजोर दिल इस गहरे राज को झेल नहीं पाएगा, लिहाजा तेरा कत्ल जरूरी है। कत्ल हो जा। और तू कत्ल हो जा। हाँ का, तेरा ख्याल दुरुस्त है, मैं नातवां और आजाद हूं। बेशक मुझे कत्ल करके अपना शुबा दूर कर, मैंने अपना खून तुझे माफ किया मेरे आ। अब यकीनन तू खामोश रहेगी, समझ ले मैंने तुझे कत्ल कर दिया। सुल्तान बाबा, इस तरह गौर से आज मुझे क्यों देख रहा है तू? इसलिए कि तेरा ये सुल्तान बाबा शायद फिर तुझे देख नहीं पाएगा। ऐसा न कहे, खुदा करे कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। खुदा न करे ऐसा हो, तुझे तो जीना है अभी लगते जिगर। अल्तमश के बाद इस शमशीर हुक्मरानी को बेगुनाहों के खून से पाक रखने के लिए और इस दस्तारी सुल्तानी को गुनहगारों की ठोकरों से बचाने के लिए तुझे जीना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नहीं बाबा, नहीं, अभी नहीं, अभी ये सूरज नहीं डूबेगा, अब भी अंधेरा नहीं होगा। राह दे जान, अपने बाबा को कहने दे जो ये कहना चाहता है कि इस दम एक एक पल गनीमत है। आंसू जब्त कर, तेरी आंखें आंसुओं के लिए नहीं है, और अपने सुल्तान बाबा की नसीहतें सुन। अल्तमश परसों से अपने ख्वाबों में तेरे सर पर सल्तनत का ताज सजा हुआ देखता रहा है। वो ख्वाब जरूर सच होंगे। वो ख्वाब जब सच हो जाए तो याद रखना कि तू खुदा के बंदों पर हुक्मरान नहीं, उनकी निगहबान है। उवतुल मुल्क अमीर जमालुद्दीन याकूत।
उन्हें आने दिया जाए। क्यों किया तुमने? ताकि आका के ये मुकद्दस अल्फाज गुलाम की सांसों के साथ धड़कते रहें। मुहर अपने दस्त मुबारक से गुलाम के सीने पर सब्त कर। मुहर कर्म है आका, गुलाम की इल्तिजा कबूल करने में देर न कर। क्या बात है? अर्ज कर। वजीर जादी को हुजूर शहजादी ने याद किया है। खाना? काकुल, सुल्तान बाबा के कसर की तमाम राहें बंद हैं और बाहर हौलनाक सन्नाटा है। नहीं मालूम उन संगीन दीवारों के अंदर क्या हो रहा है। सुल्तान बाबा की सुल्तान ने इंतकाल किया और फिरोज शाह को सुल्तान बना। नहीं रजिया, नहीं। खुदा के लिए इस सदमे को बर्दाश्त कर। ये वक्त डगमगाने का नहीं, बच के निकल जाने का है। तेरी जान खतरे में है, तू इस खतरे से निकल जा। मैं तेरे दुश्मनों और तेरी जिंदगी के दरमियान खड़ी हूँ। जा फी अमानुल्लाह। Come on.
सुल्तान, 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 रुकनुद्दीन, सुल्तान, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, कौन है? लॉर्डशाह, लॉर्डशाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आए अहले दरबार, ये क्या गजब है कि नशे में डगमगाए हुए कदमों से आज ये पाक तख्त नापाक किया जा रहा है। ओ अजल रसीदा बूढ़े, ये क्या बकवास की तूने? मैंने वही कहा जो दरबार के मुफ्ती को कहने का हक था। जल्लाद सुल्तान, रुकनुद्दीन खबरदार, ये क्या गुनाह करता है? सुल्तान, ये दरबार का मुफ्ती दी है, इसे रुसवा न कर। बलबन, यहां बे इजाजत कैसे? ताकि आपको खबर दूं कि हम सब जिन्होंने आपकी नामुमकिन आरजुओं का तोहफा रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाकर आपको पेश किया था, आपसे बेजार हो गए हैं। आप अकेली रह गई हैं और अब आपके चहीते बेटे का सर उसके कानों पर भारी हो चुका है। जलता है बदन, जलता है बदन।
बदमाशिया। मदहोशियां तेरी, ये स्याकारियां तेरी, ये खूनी रंगीनियां तेरी, तेरी सल्तनत का तख्ता उलट देने को है। देख तू नफरतों में घिर चुका है, सुन उन तलवारों की झंझलाहट को जो तेरे खिलाफ म्यालों से खिंच रही है। ये कातिल जाम, इसमें जहर है। खुदा का फजल है कि हक और इंसाफ के लिए मर मिटने वाले सुरमाओं की ये बेपनाह ताकत रजिया के गिर्द जमा हो चुकी है। चलो और शैतानी हुकूमत का तख्ता उलट दो। क्या है? कैसा खुलूं ये? ये मौत की आवाज है, वो आ रही है। चल भाग, चल भाग, चल भाग। जमीन को इसके वजूद से पाक कर दो। खातून रजिया, मैं दरबार का काजी, अदलो इंसाफ का नुमाइंदा हूं। मेरे रूबरू अहद कर कि तू अदलो इंसाफ से सल्तनत करेगी और बंदगाने खुदा की खुशहाली और बहबूदगी को
अपना फर्ज अव्वलीन समझेगी। लारेब लारेब, रजिया अदलो इंसाफ से सल्तनत करेगी और बंदगाने खुदा की खुशहाली और बहबूदगी को अपना फर्ज अव्वली समझेगी इंशाल्लाह ताला। और सुल्तान की हैसियत में आज से बेनकाब रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान को जश्ने ताजपोशी मुबारक। तेरी बारगाह में मेरी ये अर्जी अगर मंजूर हुई और तूने मुझसे अपना अक्त कबूल किया तो ये जांबाज मलिक हुसामुद्दीन तमाम आलम की सरजमीनों को तेरे कदमों का फर्श बना देगा। ऐ वाजिबुल एहतराम सुल्तानुल मौज़्ज़म रजिया सुल्तान बसद सलाम, इस बिना पर तू हरगिज फिक्रमंद न होना कि तू अपनी इस कमसिनी के बायस सल्तनत के अजीम तख्त पर एक नाजुक अंदाम दोशीजा नजर आएगी और दरबार पर तेरा दबदबा कायम ना होगा। ये अर्जी कबूल कर कि तेरा ये बंदाए बेदाम जो 57 साल पुख्ता का सियासतदा है और जिसके पास 32,000 तलवारों की हैबत है, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया का सलाम। सलाम। कहकशां जो जमीन पर उतर कर रजिया सुल्तान के पैकर में सिमट गई है, उसे हासिल करने की ये कागजी हसरतें पुरजे पुरजे होकर पानी में पड़ी। खुदा का शुक्र है कि इनमें खुश नसीब अल्तुनिया की अर्जी शामिल नहीं। अल्तुनिया की दरख्वास्त जबानी है जो रूबरू पेश हो रही है। क्या खूब हो गर अल्तुनिया की दरख्वास्त को मंजूरी का शरफ भी रूबरू इनायत हो। शायद ये बयान करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ ये अल्तुनिया है जिसका खालिस वफादार खून सल्तनत की जमीनों पर सबसे ज्यादा छिड़का हुआ है और जिसके बदन पर जान निसारी के जख्म शुमार में सबसे ज्यादा है। कितना बेसब्र हूं मैं भी कि अपनी अर्जी के मंजूर होने की खुशखबरी फौरन ही सुन लेना चाहता हूं। बेशक मुझे कुछ तो इंतजार करना ही चाहिए
कल तक का इंतजार, कल जो सदियों से गुजर कर आज से कल होगी। जिनत सलातीन नूर दुनियाउद्दीन फरमा रवाए हिंदुस्तान हजरत रजिया सुल्तान का फरमान है। हरगाह आए उमर आए दरबार, ये खुशी का मुकाम है कि आप में से तकरीबन हर अमीर ने ही इस यकीन के साथ कि सुल्तान एक 19 साला दोशीजा है बोझ इस अजीम सल्तनत का बगैर किसी मर्द का सहारा लिए संभाल नहीं पाएगी, उसका सहारा बन जाने के लिए अपने अपने तई पेश किया है। जाहिर है कि हर अमीर सुल्तान को अजीज है, इसलिए मुनासिब यह करार दिया गया है कि सुल्तान के आरजूमंद अमीर कल बाजी गहा में एक दूसरे के मुकाबले उतरें, ताकि तलवार की धार पर वो खुद ही ये फैसला करें कि उनमें से कौन है जो इस रुतबे का हकदार है। उम्मीद है कि इस अहम इंतखाब के वास्ते ये तरीका मुअज्ज़िज़ अमीरों के लिए बायस फख्र होगा। ये फरमान आप ही की कामयाबी की तरफ खुला इशारा है। कैसे? शमशीर जन अमीर अल्तुनिया से कौन ये बाजी जीत सकता है? खादिम की तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। दरबार में तो आप मौजूद नहीं थे, लेकिन सुल्तान रजिया के ऐलान की खबर तो आप तक पहुंच गई होगी। पहुंच गई। और उसका मतलब भी आपने समझ लिया होगा। सुल्तान रजिया को हासिल करने के लिए जो मुकाबला होगा, उसमें सिपहसालार याकूत को अपनी शमशीर और अपनी तकदीर आजमाना होगी। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सुल्तान अल्तमश का ये गुलाम वाकई मुकाबला जीत गया तो सुल्तान रजिया की नेक नामी का जनाजा रुसवाई के कफन में लपेट कर कयामत तक घुमाया जाता रहेगा। और अगर सल्तनत की फौजों का ये सिपा सालार जानबूझकर हारा तो फौजें झुंझला कर बागी हो जाएंगी, सल्तनत का शिराजा बिखर जाएगा और याकूत के सीने पर नोके खंजर से लिखी हुई सुल्तान अल्तमश की इस वसीयत के हरफों से खून टपकने लगेगा।
अफसोस, हमारा मंसूबा तो नाकाम ही हो गया। वो मुकाबले में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। नहीं काकुल, वो आएगा। अमीर अजब खां चुगताई। सरदार गुलबाग खां, फजल बाश। सरदार सैफुद्दीन सफ शिकन। हाँ, मुकाबिल कौन है? कौन है जो अल्तुनिया की ख्वाशाम तलवार को अपना खून चखाए? याकूत, याकूत अमीर अल्तुनिया। नहीं, एक हबशी का एक तुर्क से क्या मुकाबला? खूब हुआ, एक मगरूर तुर्क का एक हबशी से मुकाबला नहीं हुआ। सुल्तान ने इस वक्त बहुत बेरुखी का बर्ताव किया, मगर हमारी अगली मुलाकात जिस मकाम पर होगी वहां सुल्तान को आज की बेरुखी का पछतावा होगा। सलाम हो वजीर आजम को। सलाम अमीर बलबन। गालिबन कोई अहम बात है। बहुत अहम और नागवार। ये लोग बहरे हैं, सुन नहीं सकते, और जुनैदी की अक्लमंद दुख्तर जो कुछ सुनती है वो दोहराती नहीं। खैर, बलबन ये कहने हाजिर हुआ है कि एक हबशी पर हमारी सुल्तान की रोज बरोज बढ़ती हुई नामुनासिब मेहरबानियां तरह तरह की बदगुमानियां फैला रही हैं। इन्हीं बदगुमानियों से तमाम तुर्क कमीरों के गर्म खून का उबाल बढ़ता जा रहा है।
जैसे जमीन फटने से पहले जमीन की तहें किसी जलजले से दहलने लगती हैं। यही कैफियत इस दम सल्तनत की है। अब ये सल्तनत के सबसे बुजुर्ग और दूर अंदेश वजीर आजम का मनसब है कि वो सुल्तान अल्तमश की जानशीन सुल्तान रजिया को समझाएं कि गैरतमंद तुर्क भड़क उठेंगे अगर उनकी आबरू के चांद को एक हबशी के सियाह बाजुओं का गन लग जाएगा। मगर अमीर बलबन, अव्वल तो ये कि सुल्तानी फौजों के सिपह सालार अमीरुल उमरा जमालुद्दीन याकूत का जिक्र उनके खिताबों के बगैर खुली नाफरमानी है। मौसम आजकल खुशगवार नहीं है, हवाएं गर्म हैं। शायद। माशाल्लाह, हजरत रजिया सुल्तान का निशाना क्या खूब है। निजामुल मुल्क मौसम और निशाने पर नहीं किसी और मसले पर इजहारे ख्याल फरमाने तशरीफ लाए हैं। बेशक बेशक, दरअसल ये बूढ़ा जुनेदी इस सुल्तानुल हजरत रजिया सुल्तान के निजामुल मुल्क की हैसियत से हाजिर नहीं हुआ है, बल्कि एक मेहरबान बाप की मिसल गोया अपनी बेटी को कुछ नसीहतें करने आया है। हालांकि ये सरासर गलत है, लेकिन खामखान लोगों के दिलों में ये मनहूस खौफ सरसरा रहा है कि तेरे एक तरफ झुकने से दुनिया की सजीम सल्तनत का मजबूत तख्त डगमगा जाएगा। सब हैं जो बेबुनियाद अफवाहों के गुबार में गिरे हुए हैं, लेकिन मुझे मुतलक यकीन नहीं कि सुल्तान रजिया के दिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर तने तनहा एक ही शख्स के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। बस मुझे ज्यादा खुलकर अपना मतलब बयान नहीं करना चाहिए। यही बेहतर है। निजामुल मुल्क के लचकदार अल्फाज के दिलखराश माने रजिया समझ गई है। मालूम नहीं था कि सुल्तानी लिबास एक कफन है, लेकिन रजिया जिंदा है, वो ये कफन उतार कर फेंक देगी। शैतानों का एक गोल है जो अफवाहों की धूल उड़ा रहा है, और इस नापाक धूल में सुल्तान रजिया की इज्जत और हुर्मत धुंधला रही है। बकसम इस बूढ़े जुनेदी को आप बेटे की मानंद अजीज हैं, मगर जो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज है उसकी इज्जत और उसकी सल्तनत की सलामती के लिए मैं अपने बहादुर फर्जंद को खो देना चाहता हूं। मैं आपको कुर्बान कर देना चाहता हूं। कुर्बान कर दीजिए। ये सर तो कट जाने के लिए ही था,
नहीं, मैं तो आप पर इससे भी बड़ा जुल्म ढाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस सल्तनत को छोड़कर चले जाएं।
लैला। ऐ जाने तमन्ना, तेरा ये शहीद वफा अपनी लाश किसी गैर दियार में दफन करने के लिए लिए जा रहा है, ताकि मेरी कब्र का मनहूस निशान तेरी सल्तनत की खाके पाक पर बेहुरमती का दाग बन कर ना रह जाए। नहीं, ये नहीं होगा। गलत समझा कि रजिया तुझे गुम हो जाने देगी। तू जमीन या जिंदगी की हदों के पार भी चला जाता तो रजिया तुझे वहां भी खोज निकालती। खुदा मेरे नसीब को बदलने की जिद न कर, मुझे चला जाने दे। नहीं, रजिया का नाम तेरे नाम के साथ लोगों की जुबानों पर आ चुका है। अब तारीख रजिया के नाम से याकूत के नाम को कभी अलग नहीं कर सकेगी। सुन, मैं तेरी मोहतरम जात पर एक इल्जाम हूं, मुझे मिट जाने दे, मुझे चला जाने दे। आगे न बढ़ना, वगरना रजिया की ये तलवार तुझे दूसरा कदम उठाने नहीं देगी। मेरा कत्ल तेरे हाथों, वल्लाह ये मुझ पे तेरा रहम और खुदा की रहमत साबित होगा। चला जा, चला जा। अब पलट कर भी न देखना कि तेरे पीछे रजिया का अंजाम क्या हुआ।
फरमान फरमा रवा का मालूम हो के जीनतुस्सलातीन नूरे दुनिया उदीन सुल्तानुल मुअज्जम हजरत रजिया सुल्तान कल सुबह दरबार आम मुनाकत फरमाएंगी। रजिया सल्तनत के खास आम से सुल्तान की हैसियत में आज आखिरी बार मुखातिब है। याद होगा अब से 3 साल 8 महीने पहले जिस दम जुल्म व सितम की बरछियों से तुम्हारे दिल छेदे जा रहे थे और रंजो गम से तुम्हारी जिंदगियां सोगवार थीं, रजिया आई और हुकुमरानी के वजनी ताज का बोझ उठाकर उसने तुमसे तुम्हारी सलामती का अहद किया और वादा किया कि रजिया इंशाल्लाह खौफ से कांपते हुए होंठों को फिर मुस्कुराने का हक दिलाएगी। क्या रजिया ने अपना वो मुकद्दस अहद अपना वो नेक वादा वफा नहीं किया? खुदा का शुक्र है कि रजिया की जरूरत खत्म हुई, लिहाजा रजिया हुक्मरानी का ताज सर से उतार कर तुम्हारी सौंपी हुई ये मुतबर्रिक अमानत तुम्हें लौटाती है। ये क्या हो रहा है खुदाया? और अब ए हाजरीने दरबार और उमराए सल्तनत अपने लिए कोई और सुल्तान चुन लेना। खुदा हाफिज। नहीं रजिया, इसे जाने दो। ये जो तख्त व ताज छोड़कर हम में से जा रही है ये हम मगरूर तुर्कों की कुसरवार है। हम तुर्कों का रंग सफेद है, हमारा खून भी सफेद है और हम सफेद फाम तुर्क नस्ल की दुश्मनी के लिए एक स्याह नस्ल इंसान का रिश्ता तस्लीम नहीं कर सकते। और ये एक तुर्क दुश्मनी है लेकिन ये नहीं देखती कि अमीरुल उमरा याकूत का रंग सिया है। ये उसे भी इंसानी समझती है और हमारे गुरूर के आगे नहीं झुकती। इसे जाने दो। शुक्र तेरा ए खुदा शुक्र तेरा।
है खुदा शुक्र तेरा शुक्र तेरा ये मेरा प्यार चला बांध के सर पर सेहरा बिस्मिल्लाह काजी मोहतरम जमालुद्दीन याकूब महर जौजा का कितना मंजूर है जिंदगी के हर लम्हे पर उस दम का तमाम सरमाया हयात जो भी होगा ये वफा है महर नहीं तो फिर सिर्फ शरई महर सुल्तान मुअज्जम रजिया सुल्तान मैं अलक्का बलबन तेरा वकील मुकर्रर हुआ हूँ मेरे हमरा काजीउल कुज्जात तेरा इकरार अक्त लेने हाजिर हुए हैं सुल्तानुल मुअज्जम हजरत रजिया सुल्तान बिन्त शम्सुद्दीन अल्तमश तुझे अपना अक्त जमालुद्दीन याकूत इब्ने ताजुद्दीन हबशी से शरई महल 157 तगा सिक्का रायजुल वक्त पर उबूल है ओके। तुझे ये अक उबूल है कबूल है
सूबेदार सरहंद इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने सुल्तान हिंद के खिलाफ सरे बगावत बुलंद किया और दारुद सल्तनत दिल्ली की जानेब चढ़ाई की है। सुल्तान रजिया, तुझे मालूम तो होगा तेरे दुश्मनों ने तेरे सौतेले अपाहिज भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया है और वो तेरे पीछे बड़ा चला रहा है। मालूम है, मगर ये मालूम नहीं होगा कि याकूत, जिसे तू बहराम शाह का रास्ता रोकने के लिए पीछे छोड़ाई थी, उसे बहराम शाह के लश्कर ने घेर लिया है। अब तू मेरे मुकाबल तन्हा रह गई है। मैं तेरा तलबगार हूं, आ मेरी तरफ चलिया और अपनी बिगड़ी हुई तकदीर सवारने की तदबीर इख्तियार कर। खामोश, रजिया की तकदीर रजिया ही की तकदीर है, वो तेरी कनीज नहीं। तू जंग पर निकला है, जंग कर। कितना हैरत अंगेज वाकया हूं मैं और कितना होलनाक हादसा हूं मैं। पलट कर देख। Yeah.
जर्रा सुल्तान के जख्मों के लिए मरहम लाए हैं। ठहरो जरा, इन फूलों को कुछ देर और सजा रहने दो। आखिर मेरा दाव चल ही गया। तेरी थकी हुई सिपाह अब मेरे लश्कर के कब्जे में है और तू मेरे काबू में। बुजदिल। बुजदिल क्या और बहादुर क्या, मोहब्बत और जंग में सब रवा। शुक्र है मैं आ ही गया। सफेद फाम तुर्क मुझसे आफाम हबशी से मुकाबले का वो कर्ज जो तुझ पर बाकी रह गया था तुझे आज यहां चुकाना होगा। कर्ज नहीं, अल्तूनिया अपना फर्ज पूरा करेगा। अब से आवाज है कि आओ, तुम्हारे लायक न थी वो दुनिया, तुम्हारी खातिर हम आसमां पर एक और दुनिया सजा रहे हैं। खुदा का इरशाद हो रहा है, फलक नशीनों सलाम भेजो। लहू में डूबे शहीद उल्फत मेरी पनाहों में आ रहे हैं।
मेरी पनाहों में आ रही है, मेरी पनाहों में आ रही है।